अब तो तुझ जगाने वाला पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री ये मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सिया राम यही घन श्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अपने अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं धन्यवाद जय श्री राम जय श्री राधे हरि ही अस्मद गुरुभ्यो नमः अस्मद परम गुरुभ्यो नमः श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री बी
विनाशाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धये वाणी साध्याः सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमी यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्। वन्दे त्वदीयसुरप्रार्थितपादपद्मम् हंसाधिरूढकरलोचनकालकञ्जा शुभ्राम्बरा सकलशास्त्रविचारदच्छा काञ्ची कृपा तव सदा भवतु करत्री। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाड़ूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुनीरये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने धियं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमदिततीर्षयतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससून उपयामि गुरुं मुनीनाम्। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभं उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः
प्रणमामि पुनः पुनः। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाह कल्पतरु भगवान नंद नंदन ब्रजेन्द्र नंदन मुरली अधरधर सौलभ्य परिपूर्ण गोपी कांत दामोदर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनसुईया पाला घोषा रुक्मिणी सत्यभामा उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल बना माताएं बहने भगवान की पावन पीयूष वर्षणी कथा सुधा रस का आनंद लेने आई सुधीय श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करते हुए और इस पवित्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन करने के लिए और इसमें अत्यंत इस कार्यक्रम में परेशान होकर के जिन्होंने व्यवस्था की उन सारे कार्यकर्ताओं को सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का शुभारंभ करते हैं। आदरणीय भगवत भक्तों, भागवत में लेख है जीव को यह भागवत की कथा कब श्रवण करने के लिए मिलती है। भागवत जी कहते हैं भाग्योदये न बहु जन्म समरजिते न सतसंगमं चलवते पुरुषौ यदा वै। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर के पुण्य कर संचित होते हैं तब उस जीव के कर्णरंध्र में ये भागवत की कथा प्रविष्ट हो पाती है। ये कथा धनवानों के लिए नहीं, ये कथा भाग्यवानों को मिलती है। जिसके भाग्य में होता है वो भागवत श्रवण कर पाता है। ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं भागवत आचार्य सानिध्य को पाकर के और इस सम्मानित मन की मर्यादा का पालन करते हुए आइए सब लोग थोड़ी देर भगवान नाम जप करें उसके बाद भागवत कथा मंदाकिनी में प्रविष्ट होकर के फिर भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव।
वन बिहारी लाल की जय। बोले राधा प्यारी की जय। बोले वृषभान दुलारी की जय। जय श्री राधे। आदरणीय सम्मानित श्रोताओं, आइए चलते हैं हम आज श्री भागवत जी की महात्म की तरफ।
भागवत जी के महात्म्य में पहले अध्याय के पहले श्लोक में हम लोग प्रविष्ट हो रहे हैं और ये भागवत जी का बड़ा मार्मिक श्लोक है। ये भगवान का मंगलाचरण है, ये भगवान को नमन करने के लिए हम भक्तों को आइए श्लोक देखते हैं भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्योतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्योतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं तो कहा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा का जो स्वरूप है ये सच्चिद आनंदमय स्वरूप है। नारायण का सद का अर्थ है सत्य से, चिद का अर्थ है प्रकाश से, और आनंद तो आप जानते हैं आनंद महानंद परमानंद ब्रह्मानंद एक कई प्रकार का होता है। इस संसार में सत्य क्या है आपको पता है? संसार में सत्य क्या है? वेद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस संसार में परम सत्य है परमात्मा और इस संसार में सत्य है उसका नाम। बाकी कुछ सत्य नहीं। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को वो परमात्मा ही परम सत्य है। आगे आएगी कथा में प्रथम स्कंद में आएगा। भागवत के पहले श्लोक में भगवान का जब मंगलाचरण किया जाता है तो फिर आएगा सत्यम परम धीमहि। आगे विवेचना देते हैं आप। इस संसार में वो सत्य स्वरूप परमात्मा का हम नमन करते हैं और वो भगवान चिद रूप है। चिद चिद माने होता है प्रकाश। आपको पता होना चाहिए कि हमारे आपके आंखों में प्रकाश नहीं है। रात में अगर भगवान चंद्रोदय न हो, चंद्रमा का उदय न हो, दिन में भगवान भास्कर ना प्रकाशित करें और लाइट चली जाए अंधेरे में तो हम आप किस काम के? इसलिए वो परमात्मा इस संसार में सबको प्रकाश देता है। सबकर परम प्रकाशक जोई। परमात्मा का दूसरा रूप है चिद का और परमात्मा का तीसरा रूप आनंद का। आपको पता है इस संसार में जिसे सुख है उसे कल दुख भी हो सकता है और जो संसार में आज दुखी है वो कल सुखी भी हो सकता है। ये सृष्टि का नियम है। लेकिन जिसके जीवन में एक बार आनंद आ जाए उसे कुछ नहीं हो सकता है। शब्दों पर ध्यान देना। इस संसार में हर चीज का उल्टा है लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। आनंद स्वरूप परमात्मा है। गोस्वामी जी श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं जब राम जी का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ ने कराया
तो यही संबोधन किया वशिष्ठ जी से, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरते लोक सुपासी, सीकरते लोक सुपासी, सो सुख धाम जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा सद चिद आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, इस विश्व के उत्पन्न करने में और विश्व का पालन करने में, विश्व का संहार करने में जो सक्षम है। आपने मकड़ी को देखा है जाला लगाते हुए, वो जाल का निर्माण भी खुद करती है और जब उसकी इच्छा होती है पूरे जाल को खा भी जाती है। ऐसे परमात्मा पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं और जब उनकी इच्छा नहीं होती है तो फिर अकेले रहते हैं। इस संसार में जितना दृश्यमान प्रपंच है ये सब परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय। इस संसार में तीन प्रकार के ताप है महाराज, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के संसार के, इन तीनों प्रकार के ताप से जो मुक्त करा देते हैं ऐसे नारायण को श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे उस परापर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हम जितने श्रोता वक्ता हैं वो सब नमन करते हैं, महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परापर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उनके श्री चरणों में हम सब नमन वंदन करते हैं महाराज। और उसके बाद यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदउस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतुस्म। भगवान आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी अपने माता के गर्भ में 12 साल पर्यंत रहे, 12 वर्ष पर्यंत मां के गर्भ में रहे। सुखदेव स्वामी अपने मां के गर्भ से जन्म नहीं ले रहे थे,
वेद व्यास जी के पत्नी का नाम अरणी था। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे मां को बहुत तकलीफ होती है। तो अंदर से आवाज आई, पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं संसार में आ गया तब तो फिर मैं संसार में भूल जाऊंगा माया के चक्कर में, और या तो तुम भगवान से ये कहलवा दो कि मुझे संसार की माया नहीं लगेगी, नहीं तो हम जन्म नहीं लेंगे। यहां एक बात बड़ी स्पष्ट बोल दूं, सुखदेव स्वामी जी अपने मां के गर्भ में वेद ध्वनि को सुनते हैं। अरे महाराज, सुखदेव स्वामी को भागवत में ब्रह्मराज कहा गया है। जब ये महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे और देवता लोग अम्बरीश का घड़ा लेकर के आए हैं, जिस वक्त भागवत में ले गए कि ब्रह्मरातु विचारेव तदा देवाञ्जहासा, ये ब्रह्मरात है महाराज, ये मां के गर्भ में वेद को सुनकर के आए हैं, इसलिए ब्रह्मरात है। और परीक्षित जी को भागवत में विष्णुरात कहा गया है। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सगनम एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम। परीक्षित जी महाराज विष्णुरात क्यों है? क्योंकि अपने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन करके आए, गर्भ में दर्शन कर लेने के कारण परीक्षित जी विष्णुरात है, और जो इस कथा का वाचन कर रहा है बैठ करके ब्रह्मरात है। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी से भगवान ने खुद कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, आओ निकल आओ। आपको पता हो ये जीव जब मां के गर्भ में होता है तो ये बेचारा उल्टा टंगा होता है, और ये भगवान से कहता है कि मुझे इस यातना से, इस नरक से छुट्टी दिला दो, मैं धरती पर जितनी बार श्वास लूंगा आपका नाम लूंगा ठाकुर जी। भगवान को दया आती है, इसको उस बंधन से मुक्त कर देती है, और जैसे ये धरती पर गिरा संसार की माया ने इसको सता लिया। कुछ जन्म के संबंधी, कुछ कर्म के संबंधी, इस संसार में तीन प्रकार के संबंध, एक होता है जन्म संबंध। जन्म के संबंधी जानते हो कौन है? मां बाप और मामा। ये आप धरती पर पैदा हुए फिर तुरंत आपके संबंधी हो गए, ये जन्म के संबंधी है। और कर्म के संबंध से मिलते हैं रिश्तेदार मित्र और विवाह होता है। और तीसरा संबंध व्यक्ति का आत्मा का है परमात्मा से, वो इन दो संबंधों में इतना उलझ जाता है कि तीसरे के बारे में बेचारा सोच नहीं पाता। और ऐसे मौत आती है वो बेचारा खाली हाथ चला जाता है। अरे भैया, ये संसार, ये दुनिया, ये नफरतों की दुनिया है, और जिंदगी आपकी बड़ी अनमोल है, लेकिन ये पता कब लगता है व्यक्ति को? हमें क्या पता था कि जिंदगी अनमोल है, और जब कफन ओढ़ करके देखा तो देखा कि नफरत वाले भी रो रहे थे। इस संसार में सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई केवल परमात्मा के नाम की है, और जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये नाश इस सब का एक दिन होना है। वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र को जब आश्वस्त कर देते हैं तो सुखदेव स्वामी ने जन्म लिया, और जैसे जन्म लिया अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए कि भागे जंगल के तरफ, वो जा रहे जंगल में, सीधे जा रहे सुखदेव स्वामी जी ने। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया,
आज पुत्र के मोह में इतना परेशान होकर के वेद व्यास जी कहते हैं रुक जाओ बेटे। और वृक्ष क्या करते हैं, जितने रास्ते में वृक्ष लगे हैं वह झुक झुक करके सुखदेव स्वामी को प्रणाम करते हैं। महाराज वेद व्यास जी से वृक्षों ने कहा क्यों रो रहे हो, तो कहा मेरी पत्नी 12 वर्ष तक इनको गर्भ में रखी और जन्म लेने के बाद ये जंगल का रास्ता ले रहे हैं। वृक्षों ने कहा जाने दो वेद व्यास जी, फल तो आपने तैयार कर दिया है और ये संसार का मंगलमय कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, इनको जाने दो मत रोको। वेद व्यास जी ने कहा इसकी मां रोएगी, तो वृक्षों ने कहा फल जब तैयार होता है तो रोना तो पड़ता है, हम लोग जब फल तैयार करते हैं तो लोग मुझे लाठी डंडा मार करके चेल ले जाते हैं, तो क्या हम लोग नहीं रोते, लेकिन अगर उनका कल्याण होता है जनहित होता है संसार का हित होता है तो हम तैयार। ऐसे आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं और भगवान शंकर की आराधना करके भगवान शंकर की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक सुखदेव स्वामी ने भगवान शंकर की स्तुति, ऐसे भगवान को और आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। आइए थोड़ा भगवान नाम जप करें फिर चलें कथा की तरफ। भगवान के पवित्र नामों का जप आप लोग समय समय पर करते रहें। आइए गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। तालियां लगाते हुए मस्ती से गाइए गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भवसागर पार किया दिन दिन प्रभु का नाम लिया दिन दिन भवसागर पार किया दिन दिन हरि का नाम लिया दिन दिन भवसागर पार किया दिन दिन हरि नाम लिया दिन दिन भवसागर पार किया जय जय श्री करुणा निधान हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे
बाकी बिहारी लाल की बोलो गोविंद भगवान की श्री बाकी बिहारी लाल की। इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रस्तुतन हो रहा है नैम सारेण से। आदरणीय भक्तों, इस भारत में, भारत की भूमि पर चार धरती बड़ी पवित्र हैं। इस संसार में जिसको ज्ञान की जरूरत हो उस व्यक्ति को काशी के धरती पर रहना चाहिए, और जिस व्यक्ति को जीवन में वैराग्य की जरूरत हो उसको अयोध्या में रहना चाहिए। अयोध्या की धरती वैराग्य की धरती है, और इस संसार में जिसको प्रेम की आवश्यकता हो, जो प्रेम की परिभाषा, जो प्रेम के तत्व को समझना चाहता हो उस वृंदावन में रहना चाहिए। वृंदावन की जो भूमि है वो प्रेम की नगरी है, और इस संसार में तपस्या से जो जीव मुक्त होना चाहता हो उसको नैम सारण्य की धरती पर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक स्थान है, जंगल है, वो जंगल था, उसका नाम है नैमिष अरण्य। वहां ब्रह्मा जी के द्वारा फेंके गए चक्र से उस धरती का महत्व लोक ऋषियों के समझ में आया। एक बार संतों ने ब्रह्मा जी से कहा, हम तपस्या कहां करें? ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए संत लोग नैमिष में आए। उस नैमिषारण्य में दुनिया भर के ऋषि मनीषी महात्मा बैठ करके जंगल में तपस्या करते हैं, और एक अवसर था कि श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे थे, और सौनक आदि 88,000 ऋषिगण उसी नैमिष में यज्ञ कर रहे थे। जब ये महात्मा लोग यज्ञ के कर्म से खाली होते तो सूत जी के पास चले जाते थे सत्संग करने के लिए। जरा श्लोक देखना भागवत जी का। नैमिषेषु तमासीयम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशला सौनको नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को लेकर के श्री सौनक जी महाराज सूत जी के पास गए। एक बात आप लोग सोचना कि 88,000 महात्मा जहां साथ में चले तो वो तो चलता फिरता अपने आप में एक विश्वविद्यालय हो गया। अट्ठासी हजार महात्माओं ने सौनक जी को नियुक्त किया सवाल करने के लिए। यहां एक शब्द बड़ा विलक्षण है, नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। सूत जी को महामति कहा गया है। अरे महाराज, सौनक महात्मा के साथ जो 88,000 ऋषि थे उनमें और बड़े बड़े उद्भट विद्वान थे, सूत जी से भी ज्यादा बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन इस संसार में महामति कहां किसे जाता है?
उस महान में जो अपने मति को मिला दे, महान माने परमात्मा, जिसकी मति परमात्मा में लग जाए, जो महान में अपने मति को मिला दे वो महामति कहा जाता है। और सूत जी महाराज ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अभिवाद्य महामति, और सौनक जी ने सूत जी से सवाल पूछा। इन प्रश्नों को बड़े गंभीरता से आप लोग सुनिए, ध्यान देना। भगवत भक्तों, आप भागवत सुनने आए हो, ये कोई कहानी नहीं है, कोई नाटक नहीं है, ये जिंदगी में अध्यात्म है। आपके माइंड को वास करने के लिए, आपके दिमाग को पवित्र करने के लिए कथा, और हो सका है थोड़ा टफ पड़े, लेकिन आराम से सुनिए, गौर से सुनिए, तब समझ में बात आएगी। सौनक जी ने सवाल सूत जी से किया, स्वामी अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण सायनम। सूत जिसे सौनक आदृश्यों ने कहा, हे महाराज, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे भगवान भास्कर के उदय होने पर अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार आपके आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से हम लोगों के अज्ञानता का नाश हो जाएगा। हमारी अज्ञानता को नाश करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं महाराज। अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। और हे सूत जी, हम लोग आपसे कथा सुनना चाहते हैं। तो कहा, कैसी कथा? कहा, महाराज हमको बहुत कहानी, किस्सा कहानी मत सुनाना। कहा फिर? कहा कथा सारम। कथा का सार क्या है? कथा का तत्व क्या है महाराज, ये बता दीजिए। क्यों? कहा मम कर्ण रसायनम। ये मेरे कान संसार का प्रपंच करते करते और सुनते सुनते भट गए महाराज। ये कान भाग देते हैं संसार वाले, और आपके द्वारा आपके मुंह से जो कथा निकलेगी वो हमारे कान के लिए दवा होगी। हमारा कान साफ हो जाएगा, हमारी आत्मा साफ हो जाएगी। जहर जब भोजन में डाल दिया जाता है तो वो व्यक्ति मर जाता है जो उसे खाता है, और जहर जब कानों में डाल दिया जाता है तो कई लोग मरने लगते हैं। फिर एक आदमी नहीं मरता है, उसके साथ साथ कई लोग मरते हैं। भोजन में जहर पड़ा हो काम चल जाएगा, लेकिन कान में जहर पड़ जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। और ये संसार की विडंबना है, इस संसार में दुख के सिवा कुछ है नहीं। आप चाहे जितना जिसके साथ जो करना है कर डालो, लेकिन इसका परिणाम अंत में ठीक नहीं आता है। अंत में आपको ही दोषी ठहराएगा ये संसार। महाराज, ये संसार का प्रपंच कर करके मैं पट गया हूं, और मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए कि मेरे कान और मेरी आत्मा उसके साथ साथ पवित्र हो जाए। और महाराज कथा ऐसी सुनाना, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवी क्रियते कथम। और महाराज कथा इस तरह से सुनाओ कि भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, हम में ज्ञान पैदा हो और हम में वैराग्य आए, और ये संसार का जो माया है और संसार का जो मोह है
इससे छुट्टी मिले, क्योंकि ये मोह सकल व्याधिन का मूला, इस संसार में जितनी व्याधियां हैं उनका मूल है मोह। और भगवान के पास आने में गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, कहानी जरा गौर से सुनना, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा सिनु आए न जाई, राम कृपा सिनु आए न जाई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।